अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। सुंदर के इलाके में 7 साल मासूम बच्ची आयशा को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले दोनों मुलजमान चंद घंटों में गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में बच्ची का चचाजाद कजन रिजवान यूसुफ और हमसाया अल्लाह दिता शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वकूए में कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। मुतासरा बच्ची को गला घूंट कर कत्ल कर दिया गया। मुलजमान बच्ची को गांव के करीबी खेतों में ले गए और ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजमान ने पकड़े जाने के डर से बच्ची का गला दबाकर नाश गांव के गंदे जोहड़ में फेंक दी थी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान का कहना है कि मुलजमान ने तराफे जुर्म कर लिया है, जिन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान की हदायत पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग की पॉलिसी पर अमल पैरा। 47 साल असद अली को तलाश करके वरसा के हवाले कर दिया गया। असद अली बगैर बताए तबलीगी जमात के साथ सेवन शरीफ चला गया था। असद अली के भाई ने थाना गुलशन इकबाल में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की तरफ से शहरी की बाजियाबी पर गुलशन इकबाल पुलिस टीम को शाबाश। नौसरबाजी, चोरी और जेब तराशी की वारदातों में मुलविस पेशावर गैंग गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में लेडी सरगना बल्कीस बीबी और उसका भांजा खालिद शामिल। गिरफ्तार मुलजमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली वैगन, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। मुलजमान मवेशी मंडी में नौसरबाजी के जरिए जानवर गाड़ी में लोड करके फरार हो जाते थे। गिरफ्तार मुलजमान रश वाली जगहों पर जेब तराशी की वारदातें भी करते थे। मुलजमान का नौसरबाजी और चोरी की दर्जनों मजीद वारदातों का इतराफ। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की तरफ से पेशेवर मुलजमान की गिरफ्तारी पर नवाकोट पुलिस टीम को शाबाश। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट का नाजायज इसलहे के खिलाफ क्रैकडाउन। क्रैकडाउन के दौरान 30 पिस्टल्स, 6 राइफल्स, दर्जनों गोलियां और मैगजीन्स बरामद। डॉल्फिन स्क्वाड और पीरू ने कारकर्दगी के दौरान नाजायज असलहे के 36 मुलजमान को गिरफ्तार किया। एसपी डॉल्फिन राशिद हदायत का कहना था कि असलहा शो ऑफ वेपन का बढ़ता हुआ रुझान नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाही की जानब ले जाएगा। वालिदैन भी अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, मुआशरे का सूदमंद फर्द बनने के लिए तालीम पर तवज्जो दें, अमन अमान और शहरियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psea.tv।